talking about emotional freedom technique, we are basically talking about those emotions जिनकी हमें अपनी ग्रोथ के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती, वो इमोशंस जो हमारी ग्रोथ में बाधा का काम करते हैं, जैसे गुस्सा। गुस्सा क्या करता है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको गुस्सा आया, अब उस गुस्से में आप हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि आप उसको उसके इक्विवेलेंट दुख दे सके या चोट पहुंचा सके। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे केसेस में हम खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं, कार्मिकली भी नुकसान करते हैं, इमोशनली भी करते हैं। तो ऐसे इमोशन से फ्री होने के लिए हम ये टेक्निक सीखते हैं। नाउ ये क्या है, हमारे पास वी आर ऑल गिफ्टेड बाय द पावर ऑफ इमेजिनेशन जो हमें इनफाइनाइट बना देता है, हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम इमेजिन करते हुए यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन बिकम एनी वन एंड एनी पर्सन। तो उसी तरीके से एक यही इमेजिनेशन पावर को यूज करके, अपनी पावर्स को यूज करके हमारी कोशिश है कि हम अपने एलिमेंट्स से रिकवर कर सके। एक डॉक्टर का कहना है कि 85% जो डिजीजेस हैं उनका कारण हमारे इमोशनल इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। तो जब हम उस पे EFT करते हैं तो वो एक हीलिंग टूल बन जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये गैप को ब्रिज कर लेते हैं, इमोशनल गैप को ब्रिज करते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इससे हम एक दिन रिकवर कर जाएंगे। नाउ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अगर हम देखें तो 1997 से काम कर रही है। इसके अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स कहाँ से, आप नीचे देखेंगे तो एक्यूपंचर, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वेस्टर्न है, चाहे जापानीज है। फिर उसके बाद ये सब मिलके अप्लाइड काइनेसोलॉजी के साथ मिले, देन NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बिहेवियर काइनेसोलॉजी, फिर थॉट फील्ड थेरेपी, इन सब का मिला के जो निचोड़ निकला वो निकला इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, विच वाज इन 1997। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। देखिए आपके सामने आप एक स्पाइडर को देख पा रहे हैं, एक स्पाइडर की इमेज को देख पा रहे हैं। अब कई लोगों के लिए क्या है कि स्पाइडर्स को ये लोग या मकड़ी को बहुत डेंजरस समझते हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर आपके सामने किसी सरफेस पे एक स्पाइडर चल रहा हो, आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है और इमोशन कौन सा रिलीज हो रहा है, डर का। तो ऐसे में फीलिंग क्या आती है, या तो बहुत जल्दी जल्दी हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाम्स में पसीना आ जाता है, या आप उस समय फ्रीज हो जाते हो। तो बिहेवियर क्या आएगा, जो मैसेज ब्रेन देगा, बिहेवियर देगा या तो वहां से भाग जाओ या इसको मार दो या फिर कॉवर। तो इसमें से हम जो चूज करते हैं, हम अपने उस इमोशन से डोमिनेंटली रूल होते हैं। सो दिस इज के हमारे माइंड में ऐसे डिस्ट्रप्शन थॉट्स कैसे आते हैं।